इतना ओल्ड सीपीयू को इतना ज्यादा अपग्रेड करता है क्या? ओ भाई। हाँ भाई, पहले से इस सीपीयू में i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर और 12 GB रैम लगा हुआ था और एक हार्ड ड्राइव के साथ SSD भी था। तो हम इस सीपीयू में से हार्ड ड्राइव जिसमें डाटा था और एक SSD दोनों को निकाल लिए। अब प्रोसेसर i5 12th जनरेशन लगाएंगे और रैम 8 GB DDR4 और ये सब के लिए मदरबोर्ड H610 और पावर सप्लाई 500 वाट। इतना सारा कैबिनेट में ये कैबिनेट पसंद आया है तो मदरबोर्ड में प्रोसेसर और रैम को लगाए। फैन के बाद एक SSD भी लगाना पड़ा कस्टमर के बोलने पे। हो गया मदरबोर्ड रेडी। फटाफट से बोर्ड असेंबल किए न्यू कैबिनेट में। ये हो गया कैबिनेट के अंदर का लुक। ये हो गया फाइनल अपग्रेड रेडी। फटाफट से न्यू SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर डाल के रेडी कर दिए। ये सिस्टम एक तरह से नया ही हो गया। अब ये हो गया पूरा लेटेस्ट सीपीयू। अब इस सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन है i5 12th जनरेशन और 8 GB रैम। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।